तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डेडली ब्रो। सो कैसे आप लोग, आए हो आप लोग सब सुरक्षित हो अपने अपने घरों में। तो गाइस आज आ चुका हूँ मैं नया थंबनेल ट्यूटोरियल, लेकिन आज हम कुछ इस टाइप का थंबनेल बनाने वाले हैं। एंड इस टाइप का थंबनेल बनाने के लिए आपको बस ये हमारा पैक जो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, अब वहाँ से जाइए डाउनलोड कीजिए। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, प्लीज़ ध्यान रखना। एंड पासवर्ड आपको ऊपर आई बटन पर विजिबल आएगा, तो आप देख लेना आराम से, पूरी वीडियो को आराम से देखना, तभी आपको दिखेगा वरना नहीं मिलेगा। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो लाल बटन है उसको जल्दी से दबा के ग्रे कर दो। मुझे नहीं पता उस पे चाहे जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एंड अभी तक आपने अगर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया तो जल्दी फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू गाइस हमारे 700 फॉलोअर्स हो करवाने के लिए। अब बस जल्दी से 900 सब्सक्राइबर्स भी करा दो, सिर्फ 8 रहते हैं हमारे, जल्दी से 900 बाइटी फैमिली हो जाएगी। फिर मैं कुछ पैक एक लाऊंगा, अच्छा सा प्रॉपर पैक जिसमें 3D सब कुछ होगा, 3D मटेरियल्स भी। तो चलिए गए अब वीडियो शुरू करते हैं, पूरी वीडियो आराम से देखना एंड देखना आराम से। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आप लोग को PSCC में आ जाना है, और यहाँ आती है आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है अपना 1920 1080 का, अरे 1920 1080 का। एंड गाइज मैंने आपको पैक प्रोवाइड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लेना, आपको पैक मिल जाएगा। तो आज हम ये रहा पैक, इस पैक में आप देख सकते हो सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया। फॉन्ट भी मिल जाएगा, फॉन्ट वैसे कॉमन फॉन्ट है, आप सब लोग के पास वैसे ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये SS डाउनलोड कर लेना है। इस पर आप ध्यान से नोटिस करो तो मैंने विगनेट पहले लगा रखा है, तो भी इतना मैंने आपका काम कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना, या आप अपना कोई भी SS लोगे तो पहले उसका PNG निकाल लेना, फिर उसको थोड़ा सा लाइटनिंग दे देना FX में जाकर। तो मैंने इसका PNG भी निकाल लिया, अगर आप मेरा ये यूज़ करोगे SS तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर रखा है पूरा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट की लेयर पर आना है, उस पर फोटो लाइब्रेरी पर जाके एक लेयर लेनी है ये पार्टिकल की। ये उसको लीनियर डॉच करके 60%, बस ये काम भी हो गया। बड़ा सिंपल सा थंबनेल है, बहुत प्यारा अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत सिंपल है। फिर आपको ये ले लेनी है वार्निंग के साइन बोर्ड साइन, फिर आपको फ्लिप फाई करके ऐसे कर देना, छोटा करके एडजस्ट कर देना यहाँ, अरे क्रॉस लग गया सॉरी। ऐसा अब इसको आप थोड़ा अपना आप बड़ा कर देते हो आपके हिसाब से, मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा इतना, ठीक है। फिर इसका फ्लिप डुप्लीकेट करके फ्लिप एक्स सॉरी फ्लिप एक्स फ्लिप वाई नीचे स्नैप ऑन रखना, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा नीचे, मैग्नेट की तरह खींचता है स्नैप। तो अब ये भी गाइस हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा लेयर है इसको आप सेलेक्ट करना, जो ये PNG इसको सेलेक्ट करना, एक उसके ऊपर एम्प्टी लेयर लेके फिल स्ट्रोक कर देना है वाइट कलर से 2 नंबर का। इस पर FX में आना है स्टाइलिश ग्लास, 30 नंबर का आपको अमाउंट दे देना है वो स्केल 1 ही। इसके बाद आपको फिर से FX में आना है बेसिक ग्लो वाइट कलर का देना है 30.2। ये एंड इसको आप लीनियर डॉच करना, फिर डुप्लीकेट आप देख सकते हो भी थोड़ा ओवर हो चुका है, फिर आप FX में आके गौशन फुल अच्छा है, तो आप फिर इसका थोड़ा ओपेसिटी अपने हिसाब से कम कर। देखिए गाइस थोड़ी चमक आ चुकी है एकदम प्यारी वाली। अब हम आ जाएंगे अपने टेक्स्ट पे, ये मैंने टेक्स्ट लिया है, इस टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से ऐसे पहले नॉर्मली रख दो, बाद में सेट करेंगे। तो इसका पहले मैंने मार्की सिलेक्शन टूल से इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूंगा लेयर फॉर्म सिलेक्शन करके, ये अलग अलग हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपका ऊपर वाला टेक्स्ट होगा उसमें आपको ग्रेडियंट दे देना है, ये वाला ग्रेडियंट देख लो आप, ये ग्रेडियंट दे देना। फिर सेलेक्ट पिक्सल रहने देना, उसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर लेना, इस वाले ऑप्शन पे जाना, इन्वर्स करना ऑफ ऑफ फिल कर देना वाइट से, फिल कर देना
अगर आप इसको लीना डॉज करके गौशियन ब्लर दे देना 12 नंबर का, फिर नीचे वाली जो मेन टेक्स्ट की लेयर है उस पर आना, सेलेक्ट पिक्सल, ऊपर जो अभी हमने ये इन्वर्स वाला करा उससे एक्सट्रैक्ट। आप देख सकते हैं थोड़ा चमकीला हो चुका है, फिर इसको मर्ज करके इस ऑप्शन में आके कर्व मार देना। तो आपको ऐसा कर्व मार देना है जितना आप मार सकते हो, जैसे जैसे आप कर्व करते रहोगे नीचे नीचे वाला वो देखो आप डार्क होता रहेगा। तो अब आपका ये वाला काम हो चुका है, अब है अनस्टॉपेबल की बारी। इसमें आपको ग्रेडियंट दे देना है अपना ये वाला, इसका भी आप ग्रेडियंट देख लो, मतलब कलर्स देख लो। इसके बाद सेलेक्ट पिक्सल रहने देना, सेम स्टेप है इनवर्स, बस इस बारी वाइट की जगह इसके ऊपर वाला कलर ले गए। फिर इसका भी लीनियर डॉज एफएक्स गॉशन ब्लर 12 नंबर, नीचे वाले से आके ऊपर एक्स्ट्रा मर्ज, बस इसको थोड़ा कम रखना क्योंकि ये कलर थोड़ा वैसा सा है। अब ये हो चुका है, अब हम इसको भी ऑन करते हैं। अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो आपको कैसे करना है। थोड़ा सा बेवल मारना चाहे तो आप वो भी मार सकते हो, आपकी चॉइस है। दोनों पे ड्रॉप शैडो, जो ऊपर टेक्स्ट होगा उस पर 10 से 15 से 20 नंबर का, और जो नीचे होगा उस पर 30 नंबर। फिर इसके बाद अगर आपका मन करे तो आप कोई इमोजी यूज़ कर सकते हो अपने पसंद का, मैं ये वाला कर रहा हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, इसमें कोई कुछ नहीं है और ये ऑप्शनल भी है। फिर इस पर आप डायरेक्शनल ब्लर डाल के थोड़ी लुक दे सकते हैं। तो ये पूरा टेक्स्ट बन चुका है, अब इसको हम लुक दे देंगे। फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर नीचे ले आएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसके साइज़ को, एडजस्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो अभी तक हमारा हो चुका है। अब इसको डुप्लीकेट करके गौशियन ब्लर, सॉरी डुप्लीकेट लीनियर डॉज गौशियन ब्लर कम से कम 3 से 4 बारी, मैं 5 बारी मार रहा हूँ, देन ऑपेसिटी 20। ये नाम के लिए इतना कुछ मैटर नहीं करता ये, वैसे देख सकते हो अभी हो चुका है। अब मेन काम हमारा आएगा लाइट रूम, मतलब अभी मेन सब कुछ हमने कर दिया है लेकिन जो असली चमक एंड शाइन है वो अभी हमारा लाइट रूम देगा। चलिए लाइट रूम की तरफ चलते हैं। तो गाइस लाइट रूम में आते ही आपको सबसे पहले मेरा प्रीसेट इंपोर्ट करना है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप वो इंपोर्ट कर लेना। एंड वहाँ आते ही मैंने मेरा पहले से सेव हो रखे है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा, मेरे काफ़ी वीडियोज़ में मैं स्टेप बता चुका हूँ तो आप देख लेना। तो आपको सीधा आना है, वरना आप क्या करना, जो प्रीसेट होगा उसके ऊपर 3 डॉट्स पे, उसके ऊपर 3 डॉट्स पे ऑप्शन होगा कॉपी सेटिंग का, वहाँ से कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर देना। तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा अब हमारा, विगनेट कम कर लेना बस। तो गाइस हम रेडी, और एक बार ये आप थोड़े सेटिंग वेटिंग छेड़ना चाहे तो आप छेड़ सकते हो। तो आप एक बार फ़र्क देखो हर एक चीज़ में, टेक्स्ट में, क्या गाड़ी के लुक में, हर में कितना फ़र्क है। तो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, एंड मैं बहुत जल्दी एक नया ट्यूटोरियल लाऊंगा। गाइस मिलते हैं, स्टे होम स्टे सेफ, पीस आउट। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है, बाय।